हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बायोलॉजी का चैप्टर है और कंटिन्यूशन है मेरे लेक्चर 1 की। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन ब्रेन और फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन से। ह्यूमन ब्रेन एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर ज़्यादातर नर्वस टिश्यू हैं। जो ह्यूमन ब्रेन है हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स हैं। जो फोर ब्रेन है उसके अंदर होता है सेरेब्रम और जो मिड ब्रेन है उसके अंदर होता है हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के अंदर होता है सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेरेब्रम। सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसका फंक्शन है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना और ये सीट है लर्निंग और मेमोरी के लिए। सेरेब्रम हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे हम सेरेबेलम की। सेरेबेलम सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे होता है और पूरे स्ट्रक्चर के बिल्कुल बैक पे होता है। ये हर एक मोटर फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। फॉर एग्जांपल, जब हम साइकिल चलाते हैं तब एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हमारे पैडलिंग और हमारे स्टीयरिंग के, उसको हम कंट्रोल करते हैं, वो सेरेबेलम करता है। सेरेबेलम ये हमारा स्लाइटली डार्क पोर्शन है। अब बात करेंगे हम हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस सेरेब्रम के बेस पे होता है। ये हमारा सोना जागना, हमारे बॉडी की साइकिल को कंट्रोल करता है। ये हमारे भूख लगने पर और प्यास लगने को भी हमें कंट्रोल करता है। जो हमारा ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ये ब्रेन की स्टेम को फॉर्म करता है और पॉन्स के साथ जो मेड्यूला है वो कंट्रोल करता है ज़्यादातर इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि हार्ट बीट और रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। जब कोई भी वॉलंटरी ऑर्गन किसी भी डेंजर के पास हमारा जाता है तो हम हमेशा एकदम उसको पीछे खींच लेते हैं। जैसे कि जब हमारा हाथ किसी एक हॉट इलेक्ट्रिक आयन पर जाता है, हम एकदम पीछे एकदम हमारा हाथ पीछे हो जाता है और ये सब बहुत ही सेकंड्स में होता है और इससे हमारा जो हैंड है उसको इंजरी होने से बच जाता है। इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। जो पाथ है जिसके ज़रिए जो नर्व सिग्नल्स हैं वो हमारे ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। और इससे आपको पता लगेगा कि हाँ, एक्चुअली जब ये इलेक्ट्रिक आयन के पास हमारा हाथ जाता है तब क्या किन किन चीज़ों से इन्वॉल्व होके हमें अपना हाथ हम पीछे लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये जैसे कि जो इलेक्ट्रिक आयन है वो गर्म होती है, सो वो रिसीव करने के लिए हमारे हैंड पर रिसेप्टर होते हैं और फिर वहाँ से जब हमारे रिसेप्टर्स को पता लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है जिसको हमने भी हाथ लगाया वो गर्म है, तो वो मैसेज ट्रैवल करता है सेंसरी नर्व के पास। सेंसरी नर्व उसको रिले न्यूरॉन के पास भेजती है जो डिसीजन लेता है और मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर को, जो मसल है हमारी, उसको कहता है कि हाथ पीछे करो। सो वो मसल हमारा हाथ एकदम पीछे हो जाता है और ये बहुत एकदम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होता है ये। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक वीडियो सर्च करी है, उस वीडियो से हमें पता लगेगा कि एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। देखते हैं। Whenever we happen to come close to an object that is capable of harming us, we immediately withdraw the part of the body that is the most vulnerable. This is called reflex action. When a person touches a hot cup, the sensory receptors in the hand send a stimulus via the afferent pathway, which contains afferent neurons, to the spinal cord. The afferent neurons enter the dorsal nerve root of the spinal cord. The stimulus is passed on to the efferent neuron, which travels the efferent pathway to reach the effector organ, in this case, the muscles of the arm. As a result, the hand is quickly pulled back. The brain is not involved in the reflex actions, as it would take more time for the impulses to travel to and fro from the brain. The afferent neurons, or receptors, taking the causal stimulus to the CNS, the spinal cord, the efferent neurons, or effector, the exciter neurons, and the action performed in response to the stimulus together form the reflex arc. So I hope, friends, everything was clear to you. लेक्चर 3 में, लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की और प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन की। सो प्लीज़ वॉच, ऑल द बेस्ट।